बहुत सारी साइट्स अवेलेबल हैं अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल हैं. यू हैव अ टाइम कंस्ट्रेंट, यू हैव अ टाइम बाउंडेशन इन विच यू हैव टू सॉल्व अ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस. क्वेश्चन जरूर देगी आपको ये, और आपका वो अगर टॉपिक वीक है और आपको पता चल गया कि इससे आना है, तो आपके पास सफिशेंट अमाउंट ऑफ टाइम होगा कि आप अपने डीपी को स्ट्रॉन्ग कर सको. Hello everyone and welcome to this new video by Coding Ninjas. This is Vikrant and today we are going to discuss what are the best free resources available online to us from where we can learn data structures and algorithm. So let's begin. Now before you start learning data structures and algorithm, there is very one important thing that you have to keep in mind always. Ki content bahut sara available hai online. Iska matlab ye nahi ki koi bhi cheez kahin se bhi utha ke padhni start kar di. No, please don't do that. It will only hurt you. आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम वन और टू प्लेटफॉर्म्स पे ही स्टिक करना है एंड जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड इन दैट रिसोर्स दैट वॉट एवर यू आर लर्निंग इज द राइट थिंग एंड इन द राइट मैनर. बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को चूज करने की मिस्टेक मत करना. अब बात आती है कि हम ये दो प्लेटफॉर्म्स को कैसे चूज करें, बिकॉज बहुत सारी साइट्स अवेलेबल हैं अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप सीख सकते हो चीज़ें, तो हमें किस हिसाब से चीज़ों को करना चाहिए. नाउ वील टॉक अबाउट दैट. नाउ द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डिसाइड बिफोर लर्निंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम इज इन वॉट लैंग्वेज डू यू वॉन्ट टू लर्न डेटा स्ट्रक्चर्स. आपके पास थ्री मेजर लैंग्वेजेस हैं, दैट इज C++, जावा एंड पाइथन. यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम, ऑल दीज थ्री आर ग्रेट. सबके ही अपने अपने एडवांटेजेस हैं, बट मोस्टली जनरली पीपल चूज C++ बिकॉज इट इज फास्टेस्ट. आप कोई सी भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो, बट इफ यू वॉन्ट अ प्रेफरेंस देन गो फॉर C++. अब आपने जब लैंग्वेज डिसाइड कर ली है, तो उसके बाद आपको एटलीस्ट यू शुड नो द बेसिक्स ऑफ दैट लैंग्वेज. यू शुड नो हाउ टू राइट अ बेसिक कोड इन दैट लैंग्वेज, तभी आप डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट कर पाओगे. अब बात आती है कि हम बेसिक्स कहाँ से सीखें लैंग्वेजेस के. द बेस्ट प्लेसेस टू लर्न ऑल द थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू टेल फर्दर इन दिस वीडियो, ऑल्सो द बेसिक्स ऑफ द लैंग्वेजेस दैट यू हैव डिसाइडेड टू लर्न, द टू साइट्स दैट कम टू माइंड आर कोड स्टूडियो एंड गीक्स फॉर गीक्स. बहुत अच्छी साइट्स हैं दोनों. कोड स्टूडियो इज ऑफ कोडिंग निंजास एंड देर इज वन अनदर साइट इज गीक्स फॉर गीक्स. दोनों ही साइट्स पे हर चीज बेसिक से हाई लेवल तक अवेलेबल है और बहुत अच्छे से गाइडेड पाथ में अवेलेबल है. इसलिए आपको बस इन दोनों ही लैंग्वेजेस पे स्टिक करना है और सारी चीज़ें आपको यहीं अवेलेबल हो जाएंगी. नाउ जब आपने एक लैंग्वेज चूज कर ली है कि यस आई स्टार्ट लर्निंग इन दिस लैंग्वेज ओनली, देन यू कैन गो टू एनी ऑफ दीज साइट्स एंड जस्ट स्टार्ट लर्निंग द बेसिक्स. आई हैव लर्न सम थिंग्स फ्रॉम कोड स्टूडियो विच आई कैन शेयर विद यू. आप जब कोड स्टूडियो पे अगर स्टार्ट कर रहे हो अपनी लर्निंग, तो बहुत अच्छे से वहाँ पे आपके पास गाइडेड पाथ्स अवेलेबल है. इसका मतलब जब आप जाके गाइडेड पाथ्स में देखोगे, तो यू कैन सी दैट देर इज अ वन पाथ फॉर बेसिक्स ऑफ C++, बेसिक्स ऑफ जावा, बेसिक्स ऑफ पाइथन. अगर आपको कोई चीज़ बेसिक से सीखनी है, बिल्कुल वहाँ पे जाके आप सीख सकते हो. अरे ऐसी ही चीज़ें गीक्स फॉर गीक्स पे भी अवेलेबल हैं, यू कैन लर्न फ्रॉम देयर ऑल्सो. ये था आपका स्टेप वन. नाउ जब आपने बेसिक सीख लिया है लैंग्वेज का, देन यू कैन स्टार्ट लर्निंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम. अब एक चीज जो आपको हमेशा कंसिस्टेंटली बना के चलनी है कि आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, जब भी आपने कोई एक नया डेटा स्ट्रक्चर देखा, देन यू ऑल्सो हैव टू इम्प्लीमेंट दोज डेटा स्ट्रक्चर्स इन टू कोडिंग प्रॉब्लम्स, तभी आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी. आप ये दोनों चीज़ें गीक्स फॉर गीक्स पे भी कर सकते हो एंड कोड स्टूडियो पे भी कर सकते हो. जैसा मैंने आपको बताया कि गाइडेड पाथ्स अवेलेबल हैं, तो आप जब कोई चीज़ पढ़ रहे हो, तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस भी वहाँ पे अटेम्प्ट कर लो, एटलीस्ट पढ़ लो. वरना क्वेश्चंस तो आपको साथ साथ अटेम्प्ट करते चलोगे, देन यू विल बी फ्लुएंट एट द एंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम. आपको बहुत अच्छे से चीज़ें को इम्प्लीमेंट करना आ जाएगा कोडिंग प्रॉब्लम्स. इसलिए द स्टेप टू इज स्टार्ट लर्निंग डेटा स्ट्रक्चर्स फ्रॉम दीज टू साइट्स. And also the third point is practice a lot. साथ साथ ही प्रैक्टिस करते चलो. फॉर एग्जाम्पल आपने लिंक लिस्ट सीखा भी, आपने लिंक लिस्ट के सारे टॉपिक आपने पढ़ लिया, देख लिया कि हाँ दिस इज वॉट लिंक लिस्ट डज, बट आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए. देन फॉर दैट आप कोड स्टूडियो पर जाके आपने
जाके क्लिक कर दिया लिंक लिस्ट पे, देन यू विल सी द प्रॉब्लम्स सोली बेस्ड ऑन लिंक लिस्ट. यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग देम वन बाय वन. और स्टार्टिंग में एकदम मीडियम और हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व मत करना, गो विद ईजी वंस सो दैट यू कैन बिल्ड योर कॉन्फिडेंस एंड योर कोडिंग स्पीड. इस वजह से स्टार्टिंग में हमेशा ईजी से सॉल्व करना एंड धीरे धीरे टेक अ लेवल अप. द स्टेप 4 इज स्टार्ट गिविंग कॉन्टेस्ट, बिकॉज वेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर इंटरव्यू देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट कम्स विच इज टाइम कंस्ट्रेंट. क्योंकि जब आप क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व कर रहे हो आपके पास टाइम बाउंडेशन नहीं है, यू आर जस्ट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन. आप एक एक क्वेश्चन पे एक एक घंटा दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है. बट वेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर कोडिंग राउंड्स राइट, बिकॉज हम तभी तो ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं. अगर हम टाइम कंस्ट्रेंट में एक टाइम बाउंडेशन में सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते देन इट विल ऑल बी फॉर नथिंग. इसलिए कॉन्टेस्ट देना यहाँ इंपॉर्टेंट बहुत हो जाता है, क्योंकि कॉन्टेस्ट में यू हैव अ टाइम कंस्ट्रेंट, यू हैव अ टाइम बाउंडेशन इन विच यू हैव टू सॉल्व अ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वेश्चन. इसलिए कॉन्टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब बात आती है कि कॉन्टेस्ट हम कहाँ दें. एज आई टोल्ड यू, अगर आप कोच स्टूडियो पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो कोच स्टूडियो पे ही रेगुलर कॉन्टेस्ट होते रहते हैं, यू कैन अटेम्प्ट देम ऑल्सो. और अगर आपको एक से ज़्यादा साइट्स पे कॉन्टेस्ट देने हैं, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि यार रोज़ रोज़ एक ही प्लेटफॉर्म पे मज़ा नहीं आ रहा है, आई वॉन्ट टू सॉल्व कॉन्टेस्ट ऑन अनदर प्लेटफॉर्म, देन देयर आर थ्री मेजर प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो विच आइज कोडशेफ, कोडफोर्सेस एंड लीडकोड. लीडकोड में सबसे अच्छा है, बाकी ये तीनों ही बहुत अच्छे हैं, यू कैन अटेम्प्ट एनी ऑफ देम. अब रेगुलरली ही इन तीनों में से या इन चारों में से हमेशा कोई ना कोई कॉन्टेस्ट रेगुलरली होता ही होता है. यू कैन अटेम्प्ट कॉन्टेस्ट इन ऑन एनी ऑफ दैट प्लेटफॉर्म, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. बट आपको कॉन्टेस्ट देने ही होंगे. अब बात आती है कि हम कब से देना स्टार्ट करें कॉन्टेस्ट को, कि हम जब से DSA हमने स्टार्ट पढ़ना चालू करा तब से देने लगे. नो, प्लीज़ डोंट डू दैट, इट विल डू यू नो गुड. जब आपने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कंसिस्टेंसी अचीव कर ली है, आपने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, आपकी कोडिंग स्पीड सही हो गई है, तभी आप कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट करो. बिकॉज अगर आपसे जब कॉन्टेस्ट में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे देन इट विल डीमोटिवेट एंड वी डोंट वॉन्ट दैट. इसलिए जब आप सर्टेन अमाउंट ऑफ टॉपिक्स कर लो उसके बाद ही कॉन्टेस्ट पे स्विच करना. अगेन, जब आप कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट करोगे आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, स्टार्टिंग एक या दो होंगे या एक भी नहीं होगा या दो तीन हो जाएंगे. बट वेन यू आर कंसिस्टेंट इनफ वो भी सारे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे आपसे. इसलिए यू जस्ट हैव टू गिव अ लॉट ऑफ कॉन्टेस्ट एंड जस्ट डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. तो अब तक हमने लैंग्वेज चूज करी, हमने उसके बेसिक्स पढ़े, उसके बाद हमने अपना डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना चालू करा उसी सेम लैंग्वेज में और हमने वो कवर करा, और साथ साथ ही हमने कॉन्टेस्ट देना भी चालू करते रहे. अब तक हमने ये सारी चीज़ें करी हैं. बट जब आप कॉन्टेस्ट दे रहे होगे यू विल रियलाइज दैट यू आर नॉट एबल टू डू नो मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी नहीं करा है एंड दैट इज कम्पेटिटिव प्रोग्रामिंग. और स्टेप 5 हमारा यही है कि हमें कम्पेटिटिव प्रोग्रामिंग भी सीखनी ज़रूरी है अगर हम अपने आने वाले कोडिंग राउंड्स को अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं और इंटरव्यू को. इसलिए आपको कम्पेटिटिव प्रोग्रामिंग भी करनी है. अब वही बात आती है कि आप इसको कहाँ से करें. अगेन द सेम टू प्लेटफॉर्म्स विच आई टोल्ड यू अर्लियर विच इज़ कोड स्टूडियो, गीक्स फॉर गीक्स. दोनों पे बहुत अच्छे से एक प्रॉपर सिक्वेंशियल मैनर में आपको सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, यू कैन अटेम्प्ट देम. एज ऑन कोड स्टूडियो अगेन यू विल फाइंड अ गाइडेड पाथ फॉर कम्पेटिटिव प्रोग्रामिंग. उसमें आप सारे टॉपिक्स पढ़ के सीख सकते हो एंड देन उसके बाद आपको एक बहुत अच्छे अच्छे सीक्वेंस में आपको क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने को मिल जाएंगे एंड दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू. कॉन्टेस्ट में भी अच्छा करने के लिए, कोडिंग नोट्स में भी अच्छा करने के लिए ये चीज़ आपको मास्टर करनी पड़ेगी एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. कोई भी मास्टर कर सकता है इसमें, बस आपको पढ़ना और सॉल्व करना आना चाहिए. बस अगर आप टाइम दे रहे हो तो वो चीज़ें आपसे ज़रूर सॉल्व होने लगेंगी आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम. इसलिए आपको कम्पेटिटिव प्रोग्रामिंग भी करनी है. नाउ आई एम होपिंग कि आपने ये सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में करी होंगी. आपने अपनी लैंग्वेज चूज़ करी, आपने बेसिक्स पढ़े, आपने डेटा स्ट्रक्चर सीखा उस लैंग्वेज में, उसके बाद आपने वो जो टॉपिक पढ़े डेटा स्ट्रक्चर के उन पर उसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, आपने कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट करा एंड यू ऑल्सो लर्न कम्पेटिटिव प्रोग्रामिंग. आप ये सारी चीज़ें रेगुलरली करते आ रहे हो. बट वेन द टाइम कम्स ऑफ योर कोडिंग राउंड्स और योर इंटरव्यू, द मेजर थिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इफ यू स्टार्ट रीडिंग इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस और कंपनी एक्सपीरियंसेस, कोडिंग राउंड एक्सपीरियंसेस, ये चीज़ें आपको बहुत मदद करने वाली हैं. क्योंकि जब आप एक पर्टिकुलर कंपनी को टारगेट करते हो
और जब आप ये सारे एक्सपीरियंसेस पढ़ लेते हो जिन जिन बंदों का सिलेक्शन हो रखा है या फेलियर भी हो रखा है, तो आपको ये आइडिया लग जाता है कि यार ये कंपनी इस लेवल के क्वेश्चंस पूछती है, मीडियम के ज़्यादा पूछती है या इजी पूछती है, हार्ड पूछती है, और किस टॉपिक से ज़्यादा पूछती है। आपको पता चला कि यार ये कंपनी डीपी के क्वेश्चन ज़रूर देगी आपको ये, और आपका वो अगर टॉपिक वीक है और आपको पता चल गया कि इससे आना है, तो आपके पास सफिशेंट अमाउंट ऑफ टाइम होगा कि आप अपने डीपी को स्ट्रॉन्ग कर सको। इसलिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि यू हैव टू रीड इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, बहुत मदद करने वाली ये चीज़ें। अब बात आती है कि अब ये चीज़ें हम कहाँ से पढ़ें। अगेन यू कैन रीड दीज ऑन गीक्स फॉर गीक्स और ऑन कोड स्टूडियो। आपको बहुत अच्छे से डिटेल्ड में बता रखा होगा कि किन किन बंदों का क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। ऑल्सो यू कैन अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस एज वेल। आप वो क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लोगे, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप हो जाएगा यार कि इस कंपनी ने पिछले 3-4 राउंड्स में ये वाले क्वेश्चंस पूछे थे और मैंने ये सॉल्व कर लिए। इट विल बी वेरी गुड फॉर यू एंड फॉर योर कॉन्फिडेंस, बहुत अच्छा लगेगा आपको। सो यू ऑल्सो हैव टू डू दीज थिंग्स। नाउ एट द एंड आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू फ्यू टिप्स दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल बी कंसिस्टेंट इनफ, क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ें करते आ रहे हो ना, आपने एक महीना बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, फिर आपने 15 दिन नहीं पढ़े, फिर आपने एक महीना बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, फिर 15 दिन नहीं पढ़े, देन इट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर यू, बिकॉज हम कोडिंग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, टॉपिक्स बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अगर आप कंसिस्टेंस नहीं हो उन चीज़ों में, पढ़ने को लेके, क्वेश्चन सॉल्व करने को लेके, कॉन्टेस्ट सॉल्व करने को लेके, आपको आपकी स्पीड नहीं बन पाएगी, आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू विल फॉरगेट थिंग्स, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। इसलिए यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। नाउ द सेकेंड पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज यू हैव टू मेक नोट्स। जब आप कहीं से चीज़ें पढ़ रहे हो, आपने कोई वीडियो लेक्चर देखा, आपने कोई टॉपिक पढ़ा, या आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व करा, बहुत यूनिक टॉपिक आपको पता चला, या आपको यूनिक एल्गोरिदम लग रहा है आपने नहीं पढ़ा था, तो राइट इट डाउन, प्लीज़ यूज़ पेन एंड पेपर, ये आपको बहुत मदद करने वाला है आगे। क्योंकि जब आप रिवीजन का सोचते हो ना कि यार मैंने अपने 200 क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए, मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब बट मुझे रिवाइज करना है तो मैं कैसे करूँ, बहुत टफ लगता है कि हम सेम उन क्वेश्चन पर जाके दोबारा सॉल्व करें, उनको पढ़ें, बहुत यू नो इट इज़ वेरी हेक्टिक। बट अगर आपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक पेन एंड कॉपी पर आपने लिख लिया खुद सॉल्व करके, नहीं अगर नहीं भी हुए थे, आपने हिंट देख के सोल्यूशन देख के आपके समझ में आ गया और उसके बाद आपने दोबारा सॉल्व करा था और आपने लिख भी लिया, तो जब आप अपने पेन एंड कॉपी से अपने लिखे हुए सॉल्यूशंस को पढ़ते हो ना, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें रिवाइज हो जाती है। इसलिए प्लीज़ यूज़ पेन एंड पेपर, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू, बिकॉज जब आप बाद में आपका मन नहीं कर रहा होगा ना, रोज़ नहीं कर रहा यार पढ़ने का, आज मन नहीं कर रहा, ये लास्ट में रिवाइज करना है, तो आप बहुत जल्दी से रिवीजन कर सकते हो, आपको भी बहुत अच्छा से लगेगा, अच्छा लगेगा कि यार मैंने हाँ आई डिड समथिंग प्रोडक्टिव, आपने रिवीजन कर लिया, कहीं रास्ते में जा रहे हो पढ़ लो उस नोट्स को, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ें आपको बहुत मदद करने वाली है। द थर्ड पॉइंट इज कि डोंट स्विच बिटवीन प्लेटफॉर्म्स। आपने जैसे मैंने आपको बताया कि आपने कोड स्टूडियो गीक्स फॉर गीक्स चुना, देन जस्ट स्टिक टू इट, बिलीव इन दैट, क्योंकि अगर आप बीच बीच में स्विच करते रहोगे ना, और आपने एक सीक्वेंस में आपने अपने टॉपिक्स नहीं पढ़े, मान लो आप ट्रीज और ग्राफ्स करने लगे, अब उसमें आपको स्टैक्स और क्यूज की नीड पड़ रही है, आपने वो टॉपिक्स पढ़े नहीं है, तो आपको दिक्कत आएगी ना ऑब्वियसली ट्रीज और ग्राफ्स करने में भी। इसलिए अपने प्लेटफॉर्म को अच्छे से चुनो और उनके गाइडेड पाथ को ही अच्छे से सॉल्व करो। प्लीज़ डोंट जंप इन बिटवीन कि यार मैंने ये टॉपिक्स पढ़ लिए, बीच का छोड़ देता हूँ, एक दो टॉपिक आगे का पढ़ता हूँ, प्लीज़ डोंट डू दैट, एंड ऑल्सो डोंट स्विच बिटवीन प्लेटफॉर्म्स, आपके लिए ही अच्छा होगा। द थर्ड पॉइंट इज गो फॉर द क्वान्टिटी इन द बिगिनिंग एंड देन गो फॉर द क्वालिटी एट द एंड। जब आप क्वेश्चन करना सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हो राइट, जब आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आप क्वेश्चन कर रहे हो, जैसा मैंने आपको बताया, प्लीज़ डोंट गो टू मीडियम एंड हार्ड स्ट्रेट अवे, स्टार्टिंग में इजी ही क्वेश्चन सॉल्व करो, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपकी कोडिंग स्पीड बढ़ती है राइट। इसलिए स्टार्टिंग में हमेशा क्वांटिटी जितनी ज़्यादा कर लोगे बहुत अच्छा लगेगा, बट व्हेन यू हैव अचीव्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ क्वांटिटी, व्हेन यू हैव सॉल्व सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन, देन गो फॉर द क्वालिटी राइट। और आपको क्वालिटी पे जाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी DSA शीट्स अवेलेबल हैं, मतलब जिन लोगों के डेटा स्ट्रक्चर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने एक पर्टिकुलर अपनी शीट्स बना रखी हैं जिसमें बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पहले से ही आपके लिए ला के रख रखे हैं, यू डोंट हैव टू सर्च फॉर द टॉपिक्स। और अगर आप कोड स्टूडियो पर जाओगे, देन यू कैन फाइंड द फेमस DSA शीट्स अवेलेबल टू यू, उस पर आप जाके अपने 450 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हो, जस्ट क्लिक ऑन दैट टॉपिक एंड यू विल बी रीडायरेक्टेड टू दैट क्वेश्चन, वहाँ पर जाके सॉल्व करो। अगर आपको जब क्वालिटी पर जाना है, देन डू DSA शीट्स, नॉट इन द बिगनिंग,
in the beginning, you have to go for the quantity, and that will be very good for you. I hope this video will help you a lot. Please give it a thumbs up if you have liked it. Do subscribe to Coding Ninja's YouTube channel and press the bell icon. Thank you.